नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव। जैसा कि कल आपने क्लास में देखा, हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है। एक क्लास आपकी हो गई है और चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेटिक सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक्स कराए थे, वो कल आपने देखे होंगे। और आज हम उसके क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं, तो मैं पहले थोड़ी सी रिविज़न आपको करा देता हूँ। कल हमने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ ए टू जेड तक किया था, जिसमें जो हमारे लेटर हैं वो 26 लेटर हैं। ये 1 से लेके 26 तक सभी लेटर का हमने नंबर पता कर लिया था कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है। अगर बात करें के की, तो सारे मैंने आपको एक ट्रिक लगा के बता दिया था कि किस ट्रिक से आपको ये तैयार करना है। जैसे के का नंबर 11 हो जाता है और पी का नंबर आपका 16 हो जाता है, और मैंने आपको इजोटी ये बताया था। इजोटी से भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये नंबर 5, 10, 15, 20 और ये 25। उसके आगे हम चलते हैं। हमने कुछ नंबर को जैसे ए जेड, बी वाई और ये सी डब्ल्यू इस तरीके से किए थे। इंडियन रेलवे, दूधवाला, जोकर क्वीन, ये भी आपने तैयार किए थे। उसके बाद हम बात करें तो हमने, मैं इसको रफ कर देता हूँ, हमारा जो ये सीरीज़ थी, अगर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो पीछे से हमारा नंबर कौन से स्थान पर है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ कि मेरा यहाँ पे एम है, लेफ्ट से अगर स्टार्ट करते हो तो आप जानते हो कि एम 13 नंबर पर है। और अगर आप इसको राइट से स्टार्ट करते हो तो राइट से कौन से नंबर पर है। राइट से आपको पता करने के लिए क्या बताया था, 27 में से आप उस नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका राइट से पता लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, राइट से आपका 14 या 14 नंबर पे। मैंने आपको ये बता दिए थे। आज अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ। सीरीज़ आपकी कुल बनेगी 8 सीरीज़। 8 सीरीज़ से हम क्वेश्चन करेंगे। पहली सीरीज़, ये सीरीज़ होगी आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, जिसमें ए बी सी, ये एक्स वाई और ये जेड, इसके बारे में आप जानते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद नंबर दो, रिवर्स सीरीज़ बनाएंगे। आप जेड से स्टार्ट करेंगे, वाई एक्स ये चलेगा आपका, सी बी और ए, एक ये सीरीज़ आपकी बन जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन निकाले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर तीन, आप ए को हटा देंगे तो ये बी सी हट जाएगा, ये हो जाएगा डी और एफ, ये सीरीज़ हो जाएगी। यानी आप जो है ए और सी, यानी ये आपका 1 पे था, 3 पे था, फिर 5, फिर 7, ये आपका होता है ओड नंबर या विषम संख्या। विषम संख्या वाले जो भी लेटर हैं उन लेटर को हटा देंगे। उन लेटर को हटा के जो सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ हम रखेंगे और उस सीरीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे कौन सी सीरीज़ बनाएंगे। नंबर 4 पे ये 2, 4, 6 और 8, इस तरीके से जो सीरीज़ बनेगी वो सम सीरीज़ बनेगी, उसको हम बोलते हैं इवन सीरीज़, ठीक है। तो उसमें हमारा ए सी और ई ये सीरीज़ बन जाएगी। 4 सीरीज़ हो गई टोटल। चलिए, चारों सीरीज़ से क्वेश्चन लिए जाएंगे। नंबर 5 पे आपका हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये ए है, बी सी, ये आपका एम तक जाता है, उसके बाद एन ओ और ये आपका जेड तक जाता है। तो ए से एम तक आपके ये 13 और ये 14 नंबर पे होता है और ये 26 नंबर पे। मैंने 1 से लेके 26 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 1 से लेके 13 तक और 14 से लेके 26 तक। 1 से लेके 13 तक जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे वाला, इसको बोलते हैं
द्वितीयार्धांश, दूसरा नहीं, इसको द्वितीयार्धांश बोल दो आप। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश। तो आपको करना क्या है, यहीं से सीरीज बनानी है। उस सीरीज में ये प्रथम अर्धांश जो है उसको आप चेंज कर दीजिए, यानी इसको M से स्टार्ट कीजिए लिखना, M हो जाएगा यहाँ पे, और L J, सॉरी यहाँ पर K आ जाएगा, ये K हो जाएगा, और तो M से लेके आप इस सीरीज को लेकर जाएंगे कहाँ तक, A तक। यानी ये जो प्रथम अर्धांश है इसको आपने उलट कर दिया है, उल्टा कर दिया है। इसी तरीके से जो द्वितीय अर्धांश है इसको भी आप उल्टा कर देंगे, Z से जाएगा ये कहाँ तक, N तक। ये सीरीज़ बन गई है, ये K और ये L, इसको हटा दो, सीरीज़ आपकी तैयार हो गई है। ठीक है, ये नंबर 5। इस तरीके के क्वेश्चन आप लेंगे, यानी आपको सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ यानी क्वेश्चन का मेथड मैं आपको सिखा दूंगा, फिर सीरीज़ किसी भी तरीके की आ जाए, आप क्वेश्चन निकालना है, सोल्व करना है, बस और कुछ नहीं है, अपना मेथड लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आप बात करते हैं, ये पहला अर्धांश जो है प्रथम अर्धांश, इसको आप विपरीत कर देंगे, और जो द्वितीय अर्धांश है इसको आप इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या था, पहले वाली सीरीज़ में दोनों अर्धांश को, प्रथम और द्वितीय दोनों को आप विपरीत कर देंगे, दूसरे वाली सीरीज़ में प्रथम अर्धांश को विपरीत कर देंगे और द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर देंगे। उसके बाद इसको नोट कीजिए ज़रा, नंबर 7। नंबर 7 पे आप जो सीरीज़ बनाएंगे वो हो जाएगी आपकी ए से लेके एम तक और जेड से लेके एन तक। ठीक है, ये वाली सीरीज़ नहीं थी आपकी, इसमें क्या किया, प्रथम अर्धांश को आपने सेम रख दिया, द्वितीय अर्धांश को आपने विपरीत क्रम में कर दिया या इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया हो गया, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये हो गई टोटल 7 सीरीज़, मैंने आपको 8 बताया था, तो जो 8वीं हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ ये क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें आपके लेटर आ जाते हैं, दूसरा आपके नंबर आ जाते हैं, और तीसरे आपके जो प्रतीक होते हैं, जैसे आपका ये हैज़ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा, और आपका ब्रेक और ये आपका इस तरीके से, ये सभी हो जाएंगे, इसको आप सिंबल बोल दीजिएगा। ठीक है, तो लेटर, नंबर और सिंबल, इन तीनों से मिलकर बनता है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़। ये टोटल 8 सीरीज़ हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको करा दिए जाएंगे। वैसे अगर SI की बात करें तो SI में इतना कुछ आता नहीं है, SI से आपका ये यहाँ तक आपका हो जाएगा, यहाँ से वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी हम इसको कराएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट करते हैं, नोट कीजिए जरा। नोट कर लिया होगा आपने, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। सीरीज़ आप जानते हैं हमारी कौन सी है, सीरीज़ हमारी A to Z, ये पहली सीरीज़ है। क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है आपको, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दसवें के
दाएं, छह वा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला आपके पास है, वन से स्टार्ट होती है, 26, कौन सा अक्षर बाएं से, बायां यानी लेफ्ट, दसवें के दायां, दायां यानी राइट। देखिए क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा, दायां और बायां। आपके हिसाब से भी आप जब सॉल्व करेंगे तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है लेफ्ट और राइट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे सकता है राइट और लेफ्ट, या आपको राइट और राइट दे देगा, या आपको लेफ्ट और लेफ्ट दे देगा, इसी तरीके से देता है, ठीक है। बायां कहाँ है, बायां ये रहा, लेफ्ट ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दसवें पे पहुँचते हैं, फिर दसवें के राइट में देखते हैं हम, इधर चलते हैं तो हमारा सिक्स नंबर है और वो कौन से स्थान पर है हमें बताना है। आप मेथड समझ लीजिए किस तरीके से करेंगे। इसमें जब दोनों अलग अलग हों, लेफ्ट और राइट हों, तो आप क्या करते हैं, आप प्लस करते हैं, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हो तब भी आप प्लस करते हैं, राइट राइट हो माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हो आप माइनस करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट, लेफ्ट से 10 और राइट से 6वें स्थान पर। अब क्या बताया मैंने आपको, अगर लेफ्ट और राइट होगा तो आपको प्लस करना है, दोनों को प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 आपका हो गया। और 16 का आप देखेंगे तो 16 क्या नंबर क्या होता है, 16 कौन से लेटर को डिनोट करता है, तो 16 पी को डिनोट करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको ज़रा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी दोबारा से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 10वें और राइट से 6वें स्थान पर है, यानी लेफ्ट राइट होगा तो प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट होगा तब भी प्लस करेंगे, अगर दोनों सेम है, राइट राइट है माइनस और लेफ्ट लेफ्ट है माइनस, ये आपको यहीं से पता लग जाएगा कौन सा कौन से को डिनोट करता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों हैं, लेफ्ट और राइट क्या करना है, प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे तो 10 और 6 कितना होता है, 16। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 16 जो होता है नंबर वो किस लेटर को डिनोट करता है, 16 पी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 10 और ये 6, क्वेश्चन है आपके पास, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 6वां है, ठीक है। चलिए इसमें आप क्या करना है, लेफ्ट से आपको 5 दे दिया, राइट से आपको 6 दे दिया, दोनों अलग अलग हैं, फॉर्मूला फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर लेफ्ट और लेफ्ट हैं आपके तो माइनस, राइट और राइट हैं आपके तब भी माइनस, लेफ्ट और राइट हैं तो प्लस, राइट और लेफ्ट हैं तो आपका प्लस, लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट प्लस, ये 6 और 5 11, 11 किसको डिनोट करता है, 11 आपका के को डिनोट करता है। तो आप कह सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 6वां है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले करा दिया है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम तीसरा क्वेश्चन कराते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए करते हैं आगे, मैं रफ कर देता हूँ इसको। क्वेश्चंस के लिए मुझे उसके बाद हैं, आप बाएं से 15 और दाएं से 6 ये क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्या करना है, बाएं यानी लेफ्ट से 15 और दायां यानी राइट से 6, दोनों डिफरेंट है, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 15 और 6 ये हो जाएगा आपका 21, और 21 किसको डिनोट करता है, यू को, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो वी होता है ये 22 को और यू 21 को, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, नोट कीजिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं,
लेफ्ट से पांच, और ये भी लेफ्ट से पांच। अब ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको क्या कराया, लेफ्ट और राइट वाला करा दिया जिसमें प्लस करते हैं। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से आपका पांचवें नंबर पर है और लेफ्ट से आपका वो भी पांचवें नंबर पर है। जब आपका लेफ्ट और लेफ्ट हो जाएगा तो क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, जीरो, यानी कोई भी लेटर नहीं होगा। आपको क्या दिया जाएगा, नन दिया जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट कर लीजिए, हो गया। ये हमारा लेफ्ट से 15 हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट से 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको कीजिए। लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से ही 6। अब क्या करेंगे, दोनों सेम हैं, माइनस करना है। 15 से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 किसको डिनोट करता है, आई को। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, क्वेश्चन आपको यही देगा, क्वेश्चन आपको दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 15वां वे के बाएं 6वां है। ठीक है, ये 15वां वे है, 15वें के बाएं 6वां है। आपको ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन यू, सेकंड ऑप्शन के, थर्ड ऑप्शन आई और फोर्थ ऑप्शन एल। ठीक है, ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर अलग अलग हैं तो आप प्लस कर देंगे और अगर सेम है तो आप माइनस कर देंगे। और जो लेटर है उसका जो नंबर है वो आपको पता ही है, नंबर निकालना है, नंबर से लेटर में उसको डालना है। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं, कर लीजिए। रफ कर देते हैं। अब मैं आपको एक टाइप के सिर्फ दो क्वेश्चन कराऊंगा और उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए, ये हो गए हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से और बाएं। ठीक है, यानी ये तो हमारे जो लेफ्ट से स्टार्ट होते थे, ये किससे स्टार्ट होते थे, ये लेफ्ट से स्टार्ट होते थे, लेफ्ट से स्टार्ट होते थे। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो राइट से स्टार्ट होने वालों का होगा। राइट से स्टार्ट होने के लिए दाएं से पांचवे के बाएं सातवा, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, और इसको आपको सोल्व करना है। चलिए, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये दायां है, दायां आपका राइट को डिनोट करता है, ये बायां आपका लेफ्ट को डिनोट करता है। यानी राइट से स्टार्ट हो रहा है, राइट से पाँच पे और लेफ्ट का है 7। दोनों डिफरेंट हैं, राइट और लेफ्ट हैं। जब राइट और लेफ्ट हैं तो ये क्या हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट प्लस हो जाएंगे। प्लस करोगे 7 और 5 12। अब 12 पे आप क्या बताएंगे, इज ओ टी के अकॉर्डिंग अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पाँचवें के बाएं 7वां है। राइट 5 हो गया, लेफ्ट 7 हो गया। आप देख रहे हैं कि दोनों जो राइट और लेफ्ट हैं प्लस हो जाते हैं, आपने प्लस किया 12 कर लिया। लेकिन आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले से जो आपने क्वेश्चन किया था वो इजीली था क्योंकि आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की थी। अब राइट वाले में आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 27 से माइनस कर देते हैं। तो इसको भी आप 27 से माइनस कर देंगे, आपका हो जाएगा ये 5 और ये 1, 15। और 15 इजोटी के अकॉर्डिंग ओ पे आ जाता है। तो राइट से दाएं से पांचवे के बाएं सातवां कौन सा नंबर हो जाएगा, ओ। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए इसको रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ,
जैसे क्वेश्चन नंबर एक अंग्रेजी वर्णमाला में ये राइट है और वो लेफ्ट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा राइट से 15 और राइट से 5। सेकंड क्वेश्चन लेफ्ट से 16 और राइट से 7। थर्ड क्वेश्चन लेफ्ट से 10 और राइट से 15। फोर्थ क्वेश्चन राइट से 5 और राइट से 3। फिफ्थ क्वेश्चन राइट से 9 और राइट से, ये आप लेफ्ट से लीजिएगा, लेफ्ट से 10। ये मिक्सअप क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं लेफ्ट और राइट दोनों वाले। सॉल्व कैसे करने हैं बता दें, मैंने आपको दिया है कैसे करना है। अगर लेफ्ट से शुरू होता है तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, और अगर राइट से शुरू होता है तो काउंटिंग इधर से करते हैं, बट 27 में से माइनस कर देते हैं। अब आप देखो पहले, सबसे पहले लेफ्ट से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दो लेफ्ट से हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट हैं, तो आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 16 और 7 कितना हो जाएगा, ये 6 और 7 13 और ये 23। 23 हो गया, 23 किसको डिनोट करता है, W को। इसको देख लीजिए, ये 10 और 15 कितना हो जाएगा, दोनों डिफरेंट हैं प्लस हो जाएंगे, 10 और 15 ये आपको हो जाएगा 25, और 25 किसको डिनोट करता है, Y को। आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं राइट की। राइट में हमें क्या करना है, ऊपर से ले लेते हैं, ये राइट से 15 है और राइट से ही 5 है, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट राइट के लिए क्या करना होता है, आपको 27 में से माइनस करना होता है, तो 27 में से आप इस 10 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 17। और ये 17 किसको डिनोट करता है, ये 17 करता है क्यू को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया आपका, ये वाला देखते हैं। ये दोनों राइट में हैं तो ये 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 27 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, और 25 क्या होता है, वाई। राइट से शुरू हो रहा है, राइट और लेफ्ट दोनों हैं तो आप ये प्लस कर देंगे, ये 9 और 10 हो जाएगा 19। लेकिन राइट से शुरू हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, 27 से माइनस कर देंगे तो 27 में से 19 आप जब माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा। और 8 के लिए आप क्या करते हैं, H, ये लीजिए आपके क्वेश्चन हो गए। ये अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से लेफ्ट जाएं या लेफ्ट से राइट जाएं या लेफ्ट लेफ्ट जाएं या राइट राइट जाएं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया होगा, चलिए इसको रफ करते हैं और आगे नए तरह के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको कैसे करना है जरा देख लीजिए। इसको अभी तक आपने क्या देखा कि ये बायां है, ये दायां है और ये बायां है, दायां यानी राइट, बायां यानी लेफ्ट। अभी तक लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट या लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट वाले क्वेश्चन आपने किए। अब एक लेफ्ट इसमें एक्स्ट्रा हो गया, यह राइट भी एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है, या तीनों लेफ्ट के हो सकते हैं, तीनों राइट के हो सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट से हो रहा है तो आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल ही करना है आपको। चलिए लेफ्ट से आपका ये 6 हो जाएगा, उसके बाद राइट से आपका 4 हो जाएगा और लेफ्ट से आपका 3 हो जाएगा। यानी लेफ्ट से जब आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि लेफ्ट और राइट को अगर हम देखें तो ये लेफ्ट राइट प्लस हो जाता है, और ये लेफ्ट और लेफ्ट की अगर बात करें, लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस हो जाता है, तो ये माइनस रख देंगे।
तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जब लेफ्ट से स्टार्ट होगा तो जितने भी लेफ्ट होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, माइनस में, और अगर इसके साथ राइट आते हैं तो वो आपके प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, सोल्व कीजिए। 6 4 10 और 10 में से 3 जाते हैं, कितने बचते हैं? 7। और 7 पे कौन सा नंबर होता है? जी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। बाएं से 7वें के दाएं 6, और यहाँ पे बाएं की जगह इस बार दायां हो जाएगा। दाएं 4, ठीक है, बायां लेफ्ट, दायां राइट, और ये दायां राइट। लेफ्ट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका 7 हो जाएगा, राइट वाला है तो ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट अगर आप देखते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये राइट है, ये लेफ्ट था और ये राइट है। अब आपको क्या देखना है, लेफ्ट और राइट प्लस हो रहा है, फिर राइट आ गया, तो अब फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 और 4 10 10 और ये 17, ये हो जाएगा आपका 17, और 17 क्या डिनोट करता है, क्यों को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए अभी ये था लेफ्ट से स्टार्ट होने वाला, अब हम क्वेश्चन देखते हैं राइट से स्टार्ट होने वाला, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं, रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, दाएं से 10वें के दाएं 6 के बाएं 5वें के बाएं 4, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये दायां यानी राइट, दायां राइट, बायां लेफ्ट, और ये बायां लेफ्ट, इस बार 4 दे दिए। ठीक है, पहले आपने 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 पे आ गए, और अब नंबर 4 पे आ गए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, राइट से स्टार्ट हो या लेफ्ट से स्टार्ट हो, नंबर 3 हो या 4 हो, जो मेथड आपने फर्स्ट और सेकंड वाले में लगाया था, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट में, बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाना है। राइट से स्टार्ट कीजिए, राइट पे क्या है 10, अब राइट से राइट, राइट से राइट पे माइनस, यानी जितने भी राइट वाले होंगे वो सारे माइनस होंगे और बाकी लेफ्ट वाले प्लस हो जाएंगे। ये माइनस, ये लेफ्ट का है, ये प्लस, ये लेफ्ट का है, ये प्लस, सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएंगे आपके पास 5 4 9, और ये 10 में से 6 गए 4, और 9 4 आपका 13, और 13 किसको डिनोट करता है, ये एम को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप इसको लगाते हैं, क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि राइट से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, राइट से। जब आप राइट से इसको स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो इजी हमारा हो जाएगा, बट राइट से स्टार्ट करते हैं तो 27 से माइनस करते हैं। अब ही आपको करना है 27 से माइनस और ये 13 को, अब आप देखिए 14, और ये 14 किसको डिनोट करता है, एन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। समझ में आपको अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको नहीं कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है वेब स्टडी पॉइंट के नाम से, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, और जो भी आपके डाउट हैं आप डाउट डालिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, इससे आगे हम चलते हैं। अभी तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। चार तरीके मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ये सीधी जो आपकी सीरीज़ है ए से लेके जेड तक, इसमें चार तरह के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, चार तरह के, लेफ्ट और लेफ्ट वाला, राइट और राइट वाला। ठीक है, जो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, जो राइट से स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा, दूसरा आपका राइट से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट आ गया, या राइट लेफ्ट राइट आ गया, या राइट लेफ्ट लेफ्ट आ गया, ये हो गया। ठीक है, और जिसमें 4 डिजिट आ गए, चौथा कौन सा हो जाएगा, आर एल आर आर या एल आर आर आर।
तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, बस फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, यही लगाना है, ठीक है। जो दो सेम है तो उसमें माइनस कर देना है, बाकी प्लस कर देना है। अब पांचवे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, ये थोड़े अपवाद टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि फॉर्मूला ही आपको अलग लगाना है। क्वेश्चन आपको दे दिया, बाएं से चार के बाएं चौदवा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बाएं से चार के बाएं चौदवा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चार के बाएं चौदवा है। स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, बायां और ये बायां, लेफ्ट और लेफ्ट। लेफ्ट आपका क्या नंबर है, चार, और दूसरा लेफ्ट आपका चौदह नंबर है। दोनों में क्या करना है, दोनों में माइनस करना है। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये चौदह है, चौदह में से चार माइनस कर दिया तो दस आपका आ गया। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने नोट क्या किया होगा कि जो पहले लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला जो नंबर है इस दूसरे वाले नंबर से बड़ा ही है, छोटा नहीं है, ठीक है। अब ये जो छोटा है उसके लिए ही ये अपवाद है, ठीक है। अगर बड़ा होता तो हमारा उसी तरीके से करते जैसे हमने पहले किए हैं, बट छोटा है तो छोटे के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं। ये फोर में से फोर्टीन को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के टेन हो जाएगा। कितना हो गया, माइनस के 10, क्योंकि अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं चलना तो 27 में से माइनस करते हैं, बट जो हमारा अपवाद वाला क्वेश्चन होता है, जो ये माइनस वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे माइनस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 26 से माइनस कर देते हैं इस 10 को, किसे, 26 के। क्यों, क्योंकि हमारी जो अल्फाबेटिक सीरीज़ है उसमें 26 लेटर होते हैं, तो 26 से हम माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 16, और ये किसको डिनोट करता है, ये आपका पी को डिनोट करता है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। नोट कीजिए जरा इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज आप इन क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए और तैयारी आप कर ही रहे हैं, आप प्रीवियस पेपर उठाइए और जो भी अल्फाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को कीजिए। ज़्यादा से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, बट कोडिंग डिकोडिंग जैसे आएगा तो आपको अल्फाबेटिक और कोडिंग डिकोडिंग तीन से पाँच क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को कल ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। आज आप इसको कीजिए कम्प्लीट। तो हमारे जो चैनल हैं थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, वेब स्टडी पॉइंट, ठीक है, ज़रा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा यही रहेगा, इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है वो बाकी करेंगे। चलिए नमस्कार सभी दोस्तों को।